अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं जुहैब खटक। ये हमारी अफसर शाही जो फिरौनियत और रौनत से भरी हुई है, ये आपने इनका जो है आलम देख लिया। अब कहने का मकसद ये है कि जनाब मान भी लिया जाए कि ये बुज़ुर्ग जो हैं किसी कानून के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे, इनकी रेड़ी का परमिट नहीं था इनके पास, या गैर कानूनी जगह पर ये खड़े थे, तो क्या ये जो इनके साथ अमल किया गया है ये कानून के ऐन मुताबिक किया गया है? कोई जुर्माना हो सकता था, इनको जो है कोई वार्निंग दी जा सकती थी, लेकिन नहीं, गरीब की रेड़ी उल्टा कर दिहाड़ीदार तबके को तकलीफ पहुंचाकर हमने जो है कानून की बालादस्ती कायम करनी है। ये हमारी अफसरशाही का मकरू चेहरा है। मैं खान साहब से अपील करना चाहता हूं कि खान साहब, एक तरफ आप जोर लगा रहे हैं, आप पनागाहों का क्याम कर रहे हैं, कोरोना में जो है आप गरीब तबके को जो है फंड्स दे रहे हैं कि किसी तरह जो है आप गरीबों को ऊपर उठाएं, आप मिडिल क्लास तबके को ऊपर उठाएं, आप दिहाड़ीदार तबके को ऊपर उठाएं, और दूसरी तरफ आपकी नीचे काम करने वाली अफसरशाही की ये जो है आपके सामने हरकतें हैं। मैं तमाम अपने फॉलोअर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जितने भी अफसरशाही को जो है आप फॉलो कर रहे हैं, मिनिस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, एसी साहब हों, डीसी साहब हों, आईजी साहब हों, इमरान खान साहब हों, जो मर्जी आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, सबको टैग करें और उनको दिखाएं ये अफसरशाही का मकरू चेहरा कि क्या हो रहा है इस मुल्क में गरीबों के साथ। कोरोना की वजह से मईशत का वैसे बड़ा गर्क हुआ है, लोगों के पास दो वक्त की इज्जत की रोटी खाने के पैसे नहीं रहे, और यहाँ पे अगर कोई गरीब दिहाड़ीदार मजदूर जो है अपने बच्चों की रोटी कमा रहा है, आप उसकी उम्र देखें, वो हाथ में लाठी लेके अभी भी मजदूरी कर रहा है, उसके मुंह में दांत नहीं, उस बाबा जी से बात नहीं हो रही, और उसके साथ देखें ये क्या अमल किया गया। चाहिए तो ये था कि इस फलाई रियासत में ऐसे बुजुर्गों का जो है हुकूमत वजीफा मुकर्रर करती, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास मईशत के इतने मसाइल हैं कि हम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब खुद जो है मजदूरी करके खा रहा है, उसे वो भी नहीं करने दिया जा रहा। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक ये मकाम है हमारे लिए। आपको याद होगा फिरदौस आपा ने भी कुछ दिन पहले जो है एक एसी साहब की क्लास ली थी, और उस पर सारा तबका उठ के खड़ा हो गया था, ओ हो जनाब बड़ी बदतमीजी कर दी है, बड़ा जो है ना अफसरशाही की शान में गुस्ताखी कर दी है, ये लोग हमारे टैक्स के पैसे जो है उससे मराहत भी लेते हैं, उससे इनको लंबी लंबी गाड़ियां दी जाती हैं, प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, और ये देखिए ये इनकी रौनत है और फिरौनियत है कि ये गरीबों के साथ क्या कर रहे हैं। उस गरीब बेचारे का 80,000 का नुकसान कर दिया गया, वो 80,000 उसके बच्चों की रोटी थी, उसको हो सकता है 4 महीने उसकी कमर सीधी ना हो, 80,000 का नुकसान पूरा करते करते, इंतहाई शर्म और अफसोस का मकाम है।